मूवी के स्टार्टिंग में सन 1673 में मेक्सिको का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक फैमिली को दिखाया गया है। उनमें एक हस्बैंड और एक वाइफ और उनके दो छोटे बच्चे होते हैं। वो लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि उन बच्चों में एक बच्चा अकेला है जो अपनी मदर को फाइंड कर रहा है। अपनी माँ को ढूंढते हुए वो एक नदी के पास चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी मदर उसके भाई को नदी में डुबोकर मार रही है। बच्चा वो सब देखकर काफी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मदर उसका पीछा करते हुए उसे पकड़कर ले ही जाती है। इसके बाद सन 1973 में लॉस एंजलिस को दिखाया गया। यहाँ पर एना नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो अपने दो बच्चों क्रिस और समंथा के साथ रहती है। वो अपनी लाइफ को अकेले ही गुजार रही थी क्योंकि एना के हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर थे जिनकी डेथ हो चुकी। एना बच्चों का ख्याल और घर के सारे मामला खुद अकेले ही हैंडल करती थी। इसके अलावा एना डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज में जॉब भी करती थी। इस डिपार्टमेंट का बेसिक वर्क ये देखना था कि पेरेंट्स अपने बच्चों की सही से तरबियत और परवरिश कर भी रहे हैं या नहीं। एना को अपने ऑफिस से ये पता चलता है एक पेट्रिशिया नाम की औरत और उसके बच्चों का केस उसकी एक कोलीग को दिया जा रहा है। ये एक ऐसा केस था जिसे पिछले कई सालों से एना ही हैंडल कर रही थी और ये चीज एना को पसंद नहीं आई। तब एना के बॉस उसे समझाते हैं कि एना के ऊपर काम का पहले ही बहुत बर्डन है और यहाँ तक कि उसने अपने बच्चों का ख्याल भी अकेले ही रखना होता है, और यही वजह है कि वो केस इसके अलावा किसी और को दिया जा रहा है। मगर फिर भी एना इस पर एग्री नहीं हो। वो कहती है कि मैं पेट्रिशिया को जानती हूँ और वो मेरे ऊपर बिलीव भी करती है और उसके बच्चों को तो मैंने अपने आंखों के सामने ही बड़े होते हुए देखा है। वो कहती है कि उसके अलावा कोई भी ये केस अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता। फिर एना के बॉस उसकी बात पर एग्री हो जाते हैं और वो केस एना को ही दे देते हैं। पेट्रिशिया के बच्चों के स्कूल से कॉल आती है कि वो फिर से स्कूल नहीं आ रहे और यही वजह है कि एना को उनके घर जाना था, जिस पर उसके बॉस उसे कहते हैं कि वो अपने साथ एक पुलिस ऑफिसर को भी लेकर जाए। और एना एक पुलिस ऑफिसर के साथ पेट्रिशिया के घर पहुंच जाती है। सबसे पहले पेट्रिशिया सबको अंदर आने से मना कर देती है, लेकिन फिर एना उसे बताती है कि वो सिर्फ अकेली ही अंदर आएगी और इस बात पर पेट्रिशिया उसे अंदर आने देती है। एना देखती है कि पेट्रिशिया बहुत बुरी तरह डरी हुई है और वो फिर उससे उसके बच्चों के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि वो सेफ, लेकिन एना को उसके बच्चे नजर नहीं आ रहे होते। फिर एना को एक डोर नजर आता है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा आइस की पिक्चर्स बनाई होती है। एना उस डोर के पास है जिसे देखकर पेट्रिशिया बुरी तरह भड़क जाती है। वो एना पर अटैक करती है और उसे मारने की कोशिश करती है। तभी फॉरेन पुलिस वाला वहाँ पर आ जाता है और पेट्रिशिया को पकड़ लेता है, और इसी दौरान एना पेट्रिशिया के गले से एक की निकाल लेती है, जिस पर पेट्रिशिया उसे कहती है कि उस डोर को मत ओपन करो। लेकिन एना दरवाजा खोल लेती है और उस डोर के अंदर पेट्रिशिया के दोनों बच्चे होते हैं। वो दोनों बच्चे भी बुरी तरह काफी डरे और सहमे होते हैं और एना को कहते हैं कि दरवाजा बंद कर वरना वो हमें मार दे। एना को इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि वो बच्चे लाल की बात कर रही है। इसके बाद उन बच्चों को चाइल्ड सर्विस शेल्टर में भिजवा दिया जाता है। एना देखती है कि उन बच्चों के हाथ में जलने का निशान है, जिस पर वो बच्चे कहते हैं कि ये उसने ही किया। तब भी एना को समझ नहीं आती कि वो किसकी बात कर रही है। इसके बाद एना अपने घर चली जाती है और रात के वक्त लाल और रोना पेट्रिशिया के बच्चों को पानी में डिबो कर मार। उन बच्चों को नदी में डिबोने के दौरान लाल और रोना की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे और यही वजह होती है कि उसे वीपिंग वुमेन कहा गया है। एना के पास कॉल आती है कि पेट्रिशिया के बच्चे नदी में डूबकर मर गए। एना वहाँ पर पहुँच जाती है और अपने बच्चों को कहती है कि वो कार में ही बैठे रहे। वो कार को थोड़ा दूर ही पार्क करती है ताकि उसके बच्चों को कुछ भी पता ना चले। एना अभी उन बच्चों की डेड बॉडीज के पास पहुँचती ही है कि तभी वहाँ पर पेट्रिशिया भी आ जाती है और वो एना को कहती है कि तुमने मेरे बच्चों को मार डाला, और ये भी कहती है कि सिर्फ एक ही रात बची थी और इसके बाद हमें उसे छुटकारा मिल जाता। जिस पर एना उससे पूछती है कि किससे, और पेट्रिशिया जवाब देती है कि लाल और रोना से। इसके बाद पुलिस वाले पेट्रिशिया को वहाँ से ले जाते हैं। बाहर कार में समंथा सो जाती है जबकि क्रिस जाग रहा होता है। वो चुपके से गाड़ी से उतरकर उन बच्चों की डेड बॉडीज को देखने जाता है। इसी दौरान क्रिस को वहाँ पर किसी के रोने की आवाज आती है और ये कोई और नहीं होती बल्कि लाल और रोना होती है, जो कि क्रिस को अपने पास बुला रही होती है और फौरन वहाँ से गायब भी हो जाती है। फिर एकदम से वो क्रिस के पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे कि उसका हाथ जल जाता है और क्रिस के हाथ पर भी जलने का वैसा ही जख्म हो जाता है जैसा पेट्रिशिया के बच्चों के हाथ पर था। क्रिस काफी डर जाता है और कार में आकर बैठ जाता है, लेकिन लाल और रोना भी वहाँ पर पहुँच जाती है और क्रिस को डराना शुरू कर देती है। लाल और रोना कार के अंदर भी आने की काफी कोशिश करती है। फिर एना वहाँ पर आ जाती है और उन्हें लेकर घर आ जाती है। अगली सुबह एना चर्च जाती है और चर्च के बाहर एक विच डॉक्टर जिनका नाम रेफल ओलिवेरा होता है वो खड़े होते हैं। वो अपने जादुई वर्ड्स की मदद से लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं जिससे कि वो ठीक हो जाते हैं। एना फादर से लाल और रोना के बारे में पूछती है और फादर उसे लाल और रोना के बारे में सब कुछ बता देते हैं। समंथा जो कि अपने घर में खेल रही होती है और उसे भी वहाँ पर लाल
लोरोना नजर आती है। ला लोरोना समांथा का हाथ भी पकड़ के उसे कर्स बना देती है और समांथा के हाथ पर भी जलने का जख्म बन जाता है। एना घर आ जाती है और वो देखती है कि समांथा बहुत ज्यादा डरी हुई है। एना उसके हाथों पर जले हुए जख्मों के बारे में पूछती है, तब समांथा झूठ बोल देती है कि मैं कहीं पर गिर गई। फिर एक डिटेक्टिव जिनका नाम कूपर होता है वो एना के घर पर आते हैं, जो कि एना के हस्बैंड के फ्रेंड थे। कूपर एना को बताते हैं कि पुलिस वालों को पेट्रिशिया पर ही शक है कि उसी ने ही अपने बच्चों को मारा है, लेकिन पेट्रिशिया और उसके गवाहों का ये कहना है कि मर्डर के दौरान पेट्रिशिया फुल टाइम चर्च में ही थी। कूपर एना को एक फाइल देते हैं ताकि वो पेट्रिशिया के केस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले सके। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं रैफल को जो पेट्रिशिया के घर में होते हैं और लाल लोरोना के आंसुओं को कलेक्ट कर रहे होते हैं। रात को एना पेट्रिशिया की फाइल देख रही होती है, तभी उसे वहाँ पर किसी की आहट महसूस होती है। वो जाकर देखती है तो क्रिस नींद में चल रहा होता, तभी अचानक से घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और ऐसे फील होता है जैसे कोई मैजिकल पावर अंदर दाखिल हो गई। एना क्रिस को उसके बेड पर सुला देती है और समांथा को देखती है, और उसी वक्त कोई पेट्रिशिया के फाइल की पेपर्स को उठाकर जमीन पर फेंक देता है। तब एना समझ जाती है कि रूम में कोई और भी है, और अचानक से एना देखती है कि समांथा के रूम में ला लोरोना है। इससे पहले कि वो कुछ कर सकती अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। इसके बाद एना के रूम में भी ला लोरोना आ जाती है और एना उसे कहती है कि वो वहाँ से चली जाए। इतनी ही देर में क्रिस और समांथा दरवाजा खोल के वहाँ पर आ जाते हैं। एना उन दोनों को अपने बेड पर सुला देती है, लेकिन खुद वो सारी रात जागती रहती है, उसे नींद नहीं आती। एना पेट्रिशिया से मिलने जाती है, लेकिन पेट्रिशिया एना को ही उसके बच्चों की मौत का जिम्मेदार समझती है। और उसी दौरान एना पेट्रिशिया के हाथों पर वही जलने का निशान देखती है। पेट्रिशिया उसे कहती है कि ला लोरोना ने किया है, और अब एना के बच्चों को भी उसके रोने की आवाज आएगी और वो उन्हें भी अपने साथ ले जाएगी। पेट्रिशिया एना को ये भी बताती है कि मैंने ला लोरोना को कहा है कि मेरे बच्चे तो मुझे वापस दे दो और एना के बच्चों को ले जाओ। क्रिस को किसी के रोने की आवाज आती है। पहले तो ला लोरोना उसे डराती है और फिर सीढ़ियों से उसे नीचे गिरा देती है, लेकिन मौके पर ही एना वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। जब डॉक्टर क्रिस के हाथों पर जलने के जख्म देखता है, तब वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज को कॉल कर देता है। रात को एना के घर पे कूपर और उसकी कोलीग डोना आते हैं और वो ये चेक करने आते हैं कि कहीं एना अपने बच्चों के साथ अब्यूज तो नहीं करती, कि किसी किस्म का कोई तशद्दुद तो नहीं करती। फिर एना क्रिस से ला लोरोना के बारे में पूछती है और वो उसे सब कुछ बता भी देता है। दूसरी तरफ ला लोरोना समांथा को पानी में डिबोकर मार रही होती है, लेकिन मौके पर एना वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे बचा लेती है। इसके साथ ही ला लोरोना एना को भी कर्ज कर देती है और बड़ी मुश्किल से एना अपने बच्चों को वहाँ से लेकर भागने में कामयाब हो जाती है। एना चर्च में फादर के पास आती है, तब फादर उसे बताते हैं एनाबेल डॉल के बारे में कि जब वो एनाबेल डॉल को लेकर आ रहे थे तब उस डॉल ने उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया, और वो ये भी बताते हैं कि इस तरह की चीजों में शैतानी ताकत होती है और चर्च तुम्हारी हेल्प भी करेगा। लेकिन उन्हें चर्च से सर्विसेज लेने में कई हफ्ते लग जाने थे, लेकिन एना के पास इतना वक्त नहीं था, और फादर एना को रफेल के पास जाने का मशवरा देते हैं। एना अपने बच्चों को लेकर रफेल के पास चली जाती है। पहले तो वो उनकी मदद करने से इनकार कर देता है, लेकिन किसी तरह वो बच्चों की खातिर उनकी हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं। रफेल अपने साथ इस प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें अपने साथ लेकर जाते हैं और अपने मैजिकल वर्ड्स की मदद से अंडों के जरिए वो ये पता करवाते हैं कि यहाँ पर कोई जादुई ताकत, कोई शैतानी ताकत है भी या नहीं। लेकिन जब सारे अंडों को तोड़ा जाता है तो वो अंदर से काले निकलते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा थे कि वहाँ पर वाकई कोई शैतान मौजूद है। रफेल अपने मैजिकल वर्ड से सारे घर को बांध देते हैं, क्योंकि रात होने वाली थी और ला लोरोना की पावर मजीद बढ़ जाती। रफेल एना और उसके बच्चों को बचाने के लिए अपनी बहुत सारी चीजों को और बहुत सारे अल्फाजों को इस्तेमाल करते हैं। रफेल क्रिस को उस क्रॉस के बारे में बताता है जो फायर ट्री से बना होता है, और जब ला लोरोना अपने बच्चों को मार रही थी तब उसे ऐसा करता सिर्फ फायर ट्रीज ने ही देखा था, और उसी वक्त वो फायर ट्रीज रो भी रहे। फायर ट्रीज ला लोरोना के इस गुनाह का एक अकेला और अकलौता सबूत थे, जिसके आगे ला लोरोना की सारी पावर कमजोर पड़ जाती। रफेल बताते हैं कि ये एक बहुत ताकतवर शैतान है और हमें सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। फिर वो अपने मैजिकल वर्ड्स की मदद से ला लोरोना के आंसुओं को पाक साफ करते हैं ताकि उसे उसके खिलाफ ही इस्तेमाल कर सके। जब रात हो जाती है तो उन्हें ला लोरोना के आने का मैसेज मिल जाता है, और रफेल एना और उसके दोनों बच्चों को कैंडल्स के एक दायरे में रखते हैं। फिर ला लोरोना को छींक आती है और उसकी शैतानी पावर की वजह से हवा के वेव से सारी कैंडल्स बुझ जाती है। ला लोरोना सबसे पहले एना पर अटैक करती है और उसके बाद वो क्रिस पर अटैक करती है। ला लोरोना क्रिस को खींचकर बाहर ले जाती है और रफेल क्रिस को पकड़ लेते हैं, और वो वही आंसू ला लोरोना के फेस पर फेंक देते हैं। ला लोरोना के फेस पर वो
आंसू गिरते ही उसका फेस जलने लगता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होती है और खत्म नहीं हो पाती। तभी रफेल घर के दरवाजे पर फायर ट्रीज के बीज को लगा देता है। इन बीजों को पार करके वो अंदर नहीं आ सकती थी, लेकिन वो मजीद गुस्से में आ जाती है। फिर लाल और रोना पीछे से अंदर आने की कोशिश करती है और ये सब पिछले दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लाल और रोना ने ये सब जाल इसलिए बिछाया था ताकि उन सब का ध्यान पिछले दरवाजे पर लग जाए और उसके आने में आसानी हो जाए। फिर लाल और रोना समंता को उसकी डॉल के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करती है। समंता को दरवाजे के बाहर उसकी डॉल नजर आती है और वो डोर ओपन करके उसे लेने के लिए बाहर जाती है। समंता इस बात का बहुत ख्याल रखती है कि वो बीजों की तह को क्रॉस ना कर सके और तभी वहाँ पर ऐना पहुँच जाती है। वो समंता को डॉल लेने से मना करती है और भागते हुए उसके पास आ जाती है, लेकिन समंता के हाथ में उसकी डॉल लग जाती है और जब वो डॉल को अंदर की तरफ खींच रही होती है तब उन बीजों की लाइन टूट जाती है। इसी दौरान लाल और रोना समंता को बाहर खींच लेती है और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। लाल और रोना समंता को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन ऐना वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे बचाने के लिए आ जाती है। वो भी पानी में कूद जाती है। जैसे ही ऐना समंता को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लाल और रोना उस पर भी अटैक कर देती है और उसे भी जान से मारने की कोशिश करती है। तभी रफेल भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो स्विमिंग पूल को अपने जल से शिफाफ कर देते हैं, जिससे कि लाल और रोना को उस स्विमिंग पूल से निकलना पड़ता है और ऐना और समंता दोनों बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ऐना के हाथ में लाल और रोना का लॉकेट आ जाता है और वो लोग समंता को लेकर अंदर भी आ जाते हैं। समंता बार बार घर से जाने की कोशिश करती है, जिस पर रफेल ऐना को बताता है कि समंता के ऊपर लाल और रोना हावी हो चुकी है और जब भी लाल और रोना समंता को बुलाएगी तो ये फौरन उसकी तरफ चल पड़ेगी। रफेल ऐना को ये भी बताते हैं कि जब तक लाल और रोना से पीछा नहीं छूटता हमें इन दोनों बच्चों की हिफाजत करनी पड़ेगी। ऐना अपने बच्चों को कबर्ड में इसी तरह बंद कर देती है जैसे पेट्रिशिया ने अपने बच्चों को किया। दूसरी तरफ घर के बाहर लाल और रोना अभी भी बच्चों का वेट कर रही होती है। ऐना रफेल को वो लॉकेट दिखाती है जो उसने लाल और रोना के गले से उतारा था। रफेल ऐना को कहते हैं कि तुम इसे संभाल कर रखो, हम इसे उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ देर गुजर जाने के बाद एक औरत उन बीजों की लाइन को क्रॉस करते हुए उनके बच्चों के पास पहुंच जाती है। ये औरत पेट्रिशिया होती है, जिसे ये लगता है कि अगर वो समंता और क्रिस को लाल और रोना के हवाले कर देगी तो वो उसके बच्चे उसे वापस लौटा देगी। रफेल पेट्रिशिया को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे शूट करके मार देती है और बीजों की लाइन तोड़ देती है। और इसी दौरान लाल और रोना को भी घर के अंदर आने का मौका मिल जाता है। अंदर आते ही पहले वो ऐना पर अटैक करती है और उसे बेसमेंट में फेंक देती है और उसका डोर अपने आप लॉक हो जाता है। फिर वो घर के सारे दरवाजों को बंद कर देती है ताकि बच्चे बाहर ना जा सके। इसी दौरान क्रिस लाल और रोना को वो लॉकेट उठाकर समंता के साथ ऊपर की तरफ भागता है। क्रिस और समंता स्टोर में जाकर छुप जाते हैं और लाल और रोना भी उनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाती है। लाल और रोना उन्हें मारने ही वाली होती है कि क्रिस उसे उसका लॉकेट दिखा देता है। अपना लॉकेट क्रिस के हाथ में देखकर लाल और रोना अचानक से नॉर्मल लेडी बन जाती है। लाल और रोना को वो लॉकेट असल में उसके बच्चों ने दिया था और वो अपने बच्चों की तरह क्रिस को टच करती है और रोना शुरू करती है। साथ में पेट्रिशिया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो लॉक तोड़कर ऐना को बाहर ले आती है। ऐना भागते हुए ऊपर की तरफ आ जाती है और साथ में उसके रफेल भी आ जाता है जो कि मरा नहीं होता। दूसरी तरफ लाल और रोना जब क्रिस को टच करते हुए रो रही होती है तो उसके पीछे रखा हुआ मिरर उसका कपड़ा हट जाता है और जब लाल और रोना खुद को शीशे में देखती है तो वो फिर से शैतान बन जाती है और वो शीशा भी टूट जाता है। लाल और रोना रफेल को हवा में उठाकर बाहर फेंक देती है और इसी दौरान ऐना भी वहाँ पर पहुँच जाती है। क्रिस और समंता ऐना के पास भागकर आ जाती है। जैसे ही लाल और रोना ऐना क्रिस और समंता को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है, रफेल उसकी तरफ फायर ट्री से बना हुआ वो क्रॉस फेंक देता है। ऐना उस क्रॉस को उठाती है और लाल रोना के सीने में डाल देती है। उस क्रॉस की वजह से लाल रोना खत्म हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और इसके साथ ही मूवी भी एंड हो जाती है।